साथियों, दिल्ली में नाकाम पंथियों का ये मॉडल स्थापित करने की गुनहगार नामपंथी कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेवार है। आज दिल्ली के इस मंच से मैं पूरे देश को नामपंथ की राजनीति के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। साथियों, कांग्रेस के नामदार परिवार की चौथी पीढ़ी आज देश देख रहा है, लेकिन ये वंशवादी प्रवृत्ति सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित नहीं रही है। जो इस परिवार के करीबी रहे, उन्होंने भी वंशवाद का झंडा बुलंद रखा। दिल्ली में दीक्षित वंश, हरियाणा में हुड्डा वंश, वहां से लेकर के भजनलाल जी और बंसीलाल जी तक सिर्फ वंशवाद की सियासत चल रही है। पंजाब में बेहद सी परिवार, राजस्थान में गहलोत परिवार और पायलट परिवार, मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार और कमलनाथ परिवार और दिग्विजय जी का परिवार वंशवाद का नारा बुलंद कर रहे हैं। साथियों, वंशवाद की यह विकृति कांग्रेस के साथ दूसरे महामिलावटी दलों में भी फैली हुई है। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला वंश और मुफ्ती वंश चल रहा है। यूपी में मुलायम सिंह जी, तो बिहार में लालू जी के परिवार के नाम पर ही पार्टियां चल रही है। महाराष्ट्र में पवार वंश, तो कर्नाटका में देवगौड़ा जी का वंशवाद फल फूल रहा है। तमिलनाडु में करुणानिधि जी का वंश राजनीतिक धुरी, तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी भी उसी वंशवाद का झंडा उठाए हुए है। ये वंशवादी नेता सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म की आड़ में, छद्म सेक्युलरिज्म की आड़ में भ्रष्टाचार और परिवारवाद में लिप्त है। नीचे से उठे लोगों को, गरीबी से उठे लोगों को इन पार्टियों में बची खुची जगह में बेचारों को एडजस्ट होना पड़ता है, वो भी लंबे कालखंड के लिए नहीं। साथियों, जिन पार्टियों की सोच ही प्रतिभा और टैलेंट को कुचलने की हो, वो 21वीं सदी के भारत की सोच का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती हैं? इसलिए आज जब मैं इनके वंशवाद पर सवाल खड़े करता हूं, तो इन्हें दिक्कत होने लगती है। इन्हें अपने पूर्वजों के नाम पर वोट तो चाहिए, लेकिन जब उन्हीं पूर्वजों के कारनामे खंगाले जाते हैं, तो इन्हें मिर्ची लग जाती है।
मैं आपके प्यार के लिए आपका आभारी हूं। अगर आप किसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो उनके कारनामों का हिसाब भी देना ही होगा।